हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करता हूँ इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ मिथिला यूनिवर्सिटी के बारे में, पार्ट 1, 2 और 3 से संबंधित। तो चलिए, क्या है जानकारी मैं आगे बता देता हूँ, और ये जानकारी जानना चाहे तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ले जरूर देखें। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट अभी कमेंट करते हैं से सर अब तो 14 अप्रैल तक पूरा इंडिया जो है लॉकडाउन हो चुका है, तो अब एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो मैं उसको बता दूं, उन सभी स्टूडेंटों को बताना चाहता हूं। देखिए, अभी जो है हमारा पूरे भारत जो है, पूरे इंडिया जो है, कोरोना वायरस से के समस्या से जूझ रही, और हमारा इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड के जितने भी सारे देश हैं, लगभग 195 देश, वो सारे कोरोना के समस्या से जूझ रही है। तो आप लोग पहले देश की चिंता करें, उसके बाद एग्ज़ाम की। लेकिन आपका भी यह चिंता करना जायज़ है, क्योंकि आपका भी भविष्य उससे, पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, तो ये एकदम जायज़ है। लेकिन फिर भी आपको उस वायरस से पहले एग्ज़ाम नहीं ज़रूरी है, आपको वो कोरोना वायरस की समस्या जो है वो सबसे बड़ी है, उसको टलिए, किस तरह से टलता है। उसके बाद आज आपका जान है तो जहान है, ये कहावत आपने सुना है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। तो देखिए, जब तक लॉकडाउन की समस्या ख़त्म नहीं हो जाती है और कोरोना वायरस समाप्त नहीं हो जाता पूरी तरह से, तब तक आपका एग्ज़ाम कभी अभी नहीं होगा। और जो इस बीच में कोई नोटिस आता है यूनिवर्सिटी से, अभी तक तो कोई नोटिस नया नहीं आया है, और जैसे ही नोटिस आएगा मैं आप लोगों को बताता रहूँगा और बताता रहता भी हूँ। तो पल पल के खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए LNMM कार्तिक सर के, और हमारे जो भी फेसबुक, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम जो भी ग्रुप है, टेलीग्राम, इस सबसे आप जुड़े रहिए। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ख़ास करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि पल पल के खबर इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहता है। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।